Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. Video open kar diya, dekha notification aaya, turant aa gaye. कमेंट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, लेकिन लाइक नहीं कर रहे. दो पापा मम्मी को फोन दो. अरे दो यार, दो मैं बात करता है, दो दो मिनट के लिए दो. लाइक करने का ना तो कंप्लेंट करेगा. टेक्नो रूहेज में आपका स्वागत है. मंडे आ गया है, हमेशा की तरह आपके लिए जबरदस्त खबरें लाया हूँ. लेकिन यार एक थोड़ी सी एक चीज़ है दिल में जो मुझे आपसे शेयर करनी है. हमारे अनबॉक्सिंग वीडियोस पर ना इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते यार, मतलब टेक न्यूज़ पर अच्छे खासे आ जाते, नॉर्मल वीडियोस बनाओ तो आ जाते. लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि हम इंप्रूव कर रहे हैं, अगर आप देखोगे आपको हमें सजेशन दोगे तो इंप्रूवमेंट्स होगी. अभी कैमरा भी अपग्रेड कर रहा हूँ, अभी एडिटर हमारा जो बीमार पड़ा है वो ठीक हो जाएगा तो उसको फिर लेके आएंगे. और हम डिटेल्स में बताते हैं कितने अच्छे अच्छे बी रोल्स आपको देते हैं, हर एक पैरामीटर्स को कवर करते हैं. तो बस रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी वीडियोज़ को देखिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, बस यही आपसे चाहता हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए. और पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था, मैं भूल गया एक मिनट, इस बार थैनोस नहीं आया. लेकिन खैर, आप दिन में कितने बार अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हो, हमने पूछा था. तो लगभग दो बार को 50% वोट्स आए, और पांच बार वाले भी थे जो अल्ट्रा लेजेंड्स थे. हाँ, मेरे घर में है एक दो. और आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, असली तरीका बताया घर बैठे आप कैसे स्मार्टफोन से पैसे कमा सकते हैं. हम आपको हमेशा पक्की और अच्छी चीज बताते हैं, हमारे चैनल पर यही होता है. वीडियो को जरूर से देखना, लाइक करिए दोस्तों. फटाफट से आज की टेक्निक शुरू करते हैं. पहली खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से. 19 अक्टूबर को पिक्सल 6 सीरीज लॉन्च हो रही है ग्लोबली. इंडिया का वैसे फिलहाल के लिए कोई अता पता नहीं है, लेकिन ऐसा यहां पर बताया जा रहा है कि जो पिक्सल 6 सीरीज होगी इनमें आपको अप टू एंड्रॉइड 16 तक अपडेट्स मिलेंगे. ये बहुत बड़ी बात है और सरप्राइजिंग भी नहीं, क्योंकि गूगल का फोन है तो आपको तो पता ही, अपडेट्स तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे. मतलब जब वो लॉन्च होगा तो वो एंड्रॉइड 12 के साथ होगा, फिर एंड्रॉइड 13, 14, 15, 16, अप टू 4 इयर्स आपको ओएस अपडेट्स मिलेंगे, जो बहुत ही बड़ी बात है. अगर उसके कंपैरिजन में गैलेक्सी Z Fold 3 की बात करें तो उसमें आपको अप टू एंड्रॉइड 14 तक अपडेट मिलेंगे. लेकिन एंड्रॉइड 16 तक अपडेट्स एक फोन में 4 साल तक अपडेटेड रखना एक बहुत ही कमाल की बात है, और सारी ब्रांड्स को ना यही करना चाहिए. इससे रिगार्डिंग पोल रखा है, वहां पर वोट डालो, कमेंट में आपकी क्या रही है वो भी जरूर से बताना. बात करते हैं एक उभरते हुए सितारे की, Infinix. आजकल बड़े कमाल काम कर रहे हैं वो. बताया जा रहा है कि इंडिया में अपना एक नया लैपटॉप बहुत ही जल्दी लॉन्च कर रहे हैं. ये वैसे इंडिया की BIS पर भी लिस्ट हो चुका है, Infinix का INBook X1 Pro. और ये शायद realme, Xiaomi, अपने नोकिया वाले भी जो आए ना, हाँ, उनके साथ कंपीट करने के लिए आ सकता है और एग्रेसिव प्राइस हो सकती है, क्योंकि वो कर रहे हैं आजकल, शायद लैपटॉप में भी कर दे. और मैं एक्साइटेड हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि Infinix अपने न्यू लैपटॉप्स के साथ क्या खास करता है. वैसे आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कमेंट में ना जरूर से बताना. अगर देव मानुस का अवार्ड देना हो ना तो शायद मुझे लगता है व्हाट्सएप को मिल सकता है. आए दिन देव मानुस वाले काम कर रहा है. अभी बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप जो है, वो जो वॉइस मैसेज आप भेजते हैं ना, उसमें भी पॉज और प्ले वाला फीचर डाल रहे हैं. हाँ, मतलब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी होगी, पीछे से किसी ने टप्पू दे दिया या बीवी ने बोली है, तो आपने उसको पॉज कर दिया, फिर वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, प्ले करें, फिर बोला तो पहले का भी रहेगा, अभी का भी रहेगा, फिर आप भेज सकते हैं. अभी क्या होता है, दबा के रखा, कोई टप्पू भी मार रहा है तो चल रहा है, बीवी भी चिल्ला रही है, कोई चप्पल फेंक के मार रहा है, वो सब कैप्चर हो रहा है और सामने चला जाता है. या तो फिर आप उसको कैंसिल करो या भेज दो, दोनों में से एक ऑप्शन अभी मिलता है. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ आपको बता रहा है, ठीक है ना. तो ये अपडेट बहुत अच्छा है जो बहुत ही जल्दी आएगा. मी यू आई, पोको यू आई, रेडमी यू आई. हाँ, तो आपने सही सुना, अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन बताया जा रहा है कि रेडमी, जैसे कि वो इंडिपेंडेंट हुआ है, पोको वाले भी इंडिपेंडेंट हुए, तो वो अभी अपने सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं. वो मी यूआई पर बेस्ड अपने फोन्स को लॉन्च नहीं कर सकते, फ्यूचर में शायद उनका एक न्यू यूआई आएगा जिसका नाम रेडमी यूआई हो सकता है. ओप्पो रियलमी, मेरे को उसका याद आ गया, तो देखते हैं अभी वो लोग क्या खास करते हैं इसके अंदर. लेकिन मेरे को लगता है सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हो गए. हाँ, मी यू आई, पोको यू आई, रेडमी यू आई, अभी क्या नया होगा, कौन से फोन के साथ कब आएगा इसके बारे में पता नहीं. लेकिन आपको कैसा लगा सुनकर कमेंट में मत बताना. बाय द वे, iQOO Z5x ये रियल है भाई, वाकई में अभी ये टेना पर लिस्ट हो गया है. फोन की फोटोज वगैरह, फर्स्ट लुक सब बाहर आ गया है और ये इसकी पूरी स्पेक्स आ गई है. इसमें आपको IPS डिस्प्ले मिलेगी फुल HD प्लस वाली 120Hz की, सेम iQOO Z5 जैसी, और आपको डायमेंसिटी 900 चिपसेट मिल रही है. कैमरा चेंजेस इसमें 50 मेगापिक्सल वाला होगा, सिर्फ 8 मेगापिक्सल सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी है, 44W चार्जिंग वगैरह, थोड़ा और भी शायद कम प्राइस पर आ सकता है ऐसा मुझे लगता है, तो लेट्स सी. और ये पहले चाइना में जाएगा, उसके बाद क्या पता इंडिया में भी आ जाए, अब देखते हैं. iQOO Z5x आते ही पता चलेगा. जब ये खबर आई थी ना तो मैंने ना ऐसा एक बार देखा, फिर आंखों को साफ किया,
तो मेरे को रेडमी दिखा, मेरे को लगा चल ठीक है। फिर वापस मैंने आंखों को साफ किया तो realme निकला, realme note 9 pro max। इधर बोलते हैं कि इंडिया पर लिस्ट हो गया है और उसके अंदर उसके कुछ वो क्या बोलते हैं, हाँ रैम स्टोरेज वेरियंट भी आ गए 6128। realme note 9 pro max, realme भी अपनी एक नोट सीरीज ला रहा है और ऐसा बोल रहे हैं। realme note 1, realme note 2, realme note 3 किधर गया, realme note 9 pro max। मेरे को लगता है realme 9 सीरीज जो आ रही है ना उसमें शायद एक नोट सीरीज एक लेके आ सकते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। शॉमी वाले मनु कुमार जैन तो बोल रहे हैं कि हो क्या रहा है इधर, पिल्ड शेप नॉच। एकदम यूनिक टेक्नोलॉजी है जो आई थिंक सो किसी फोन में हमें शायद देखने को मिला नहीं। अगले साल जो आईफोन सीरीज आ रही है ना 14 सीरीज, वो पिल्ड शेप नॉच के साथ आएगी। अभी एंड्रॉइड में क्या है, वो पिल्ड शेप नॉच लेफ्ट में थे ना, एप्पल वाला में बीच में देगा, नॉच छोटा कर रहा है लेकिन वो दे रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। और ये फोटोज वगैरह थोड़ा आए थे तो थोड़ा देव मानुष जैसा फील आया मेरे दिमाग में कि एप्पल भी देव मानुष निकला है फाइनली, लेकिन अब यह आएगा भी कि नहीं आएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इधर से इधर, जैसे कि आईफोन 12 से कैमरे को ऐसे को ऐसा किया ना, वैसे इधर से इधर। ये पकड़ लिया, पकड़ लिया, देख 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 देख, देखा देखा कैसा पकड़ता है ना मैं मैं एक ही क्रिएटर लगता है मेरे को, टेक्नोस में आपको रंगे हाथों पकड़ लेता है अभी मेरे को शर्म नहीं आता, छोड़ो। अकॉर्डिंग टू प्लेयर IGN, इन्होंने ट्वीट किया था जहां पर क्राफ्टन जो है वो बताया जा रहा है कि अनरियल इंजन 5 जो हाल ही में अपनी एपिक वालों की है ना, जो उन्होंने अभी अनाउंस किया था, उसके ऊपर बेस्ड एक नए गेम पर काम कर रहा है। और बताया जा रहा है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स आप देखिए कि यहां पर सब कुछ लीक हुआ है, कि वो न्यू पबजी गेम पर काम कर रहे हैं। यानी कि अभी पबजी मोबाइल है इंडिया में, वैसे बैटल ग्राउंड चलता है, तो पबजी 2 आएगा, पबजी न्यू स्टेट को हटा दो, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम होगा जो न्यू अनरियल इंजन 5 पर बेस्ड होगा, जिसमें वो कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्राफ्टन वाले बड़े सीरियस है, एक बहुत ही पावरफुल पबजी सीक्वल पर वो लोग काम कर रहे हैं, उसका असर हमें इंडिया में भी बैटल ग्राउंड्स में भी देखने को मिल सकता है, बगमी 2 में भी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और ऐसा लगता है कि अगले साल ना गेमिंग नेक्स्ट लेवल पर हो सकती है। कोई बात नहीं, स्किप किया मैं, माफ किया, क्योंकि खबर बहुत अच्छी है। Realme GT Neo 2, ये फोन 2 दिन में लॉन्च हो रहा है, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। फोन अच्छा है, हमारे पास आया है, काम चल रहा है, बस देखते हैं कि क्या प्राइस होती है, एक दो दिन में पता चलेगा। लेकिन साथ में Realme GT Neo 2T मेरे को लगता है Realme वालों ने पीटे लागू कॉल किया रहेगा भाई, मतलब कुछ नाम वाम बता जरा, तो टी आ गया इधर। वैसे ये 19 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है चाइना में, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया, बॉक्स की इन्फॉर्मेशन सब कुछ बाहर आ गई है, और इसमें शायद डायमंड सिटी 1200 होगा ऐसा बताया जा रहा है। बड़े कंफ्यूजन है भाई, मतलब मुझे लगता है कि ये वाला इंडिया में आएगा, मतलब ऑलरेडी है रियल मी के कितने फोन्स डायमंड सिटी 1200 के साथ, लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर, देखते आएगा तो आपको बताएंगे। OnePlus and 9RT Shunned, ये जो फोन है ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब कमाल हो सकता है, ये भी आ रहा है 13 तारीख को, और इसकी बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई। इस बार आपको लिक्विड कूलिंग जो होगा वो और भी बेटर देखने को मिलेगा, साथ में अप टू 7GB तक का आपको वो वर्चुअल रैम वाला सीन है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज बताया जा रहा है कि OnePlus 9RT में आपको 600Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। आई थिंक सो मोटो H20 Pro ये एकलौता ऐसा फोन है जो 576Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ आया था, ये उसको भी ब्रेक कर सकता है। तो लेट्स सी, बोल तो बहुत कुछ रहे, ये वाला ब्लास्ट ना हो, उसके बारे में बाद में आएगा तो देखेंगे। क्या आपको बताया दोस्तों, 2012 में एक अमेरिकन लड़की जिसका नाम है निकोल डाइलियन, ये इसको एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है स्लीपिंग सिंड्रोम, ये 64 डेज तक कंटिन्यूस सोई थी। मैं खड़े खड़े सो गया, बोलो। आज की न्यूज़ ये खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।